दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन ये तीनों गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गोवा जा रहे हैं। गुल्ली बुली तो गोवा ले जाने के लिए काफी सामान को बैग में डाल लिया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सोन काफी लेट कर रहा है। बुल्ली बोलता है सोन ने कल कुछ ज्यादा ही राजमा चावल खा लिया था, इसीलिए वो सुबह से 10 बार शौचालय जा चुका है और अभी भी वो शौचालय में ही है। गुल्ली बोलता है ये ऐसे नहीं सुधरेगा, तेरा तो गेम बचाना। सोन का ऐसा हाल देखकर गुल्ली बुली हंसने लगते हैं। सोन बोलता गुल्ली ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुल्ली बोलता है तुम्हारे ही कारण हम लोग हर बार लेट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में बस गोवा जाने वाली बस आती ही होगी। सोन बोलता है मैं अभी बस 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, और फिर सोन घर के अंदर चला जाता है। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली की गोवा जाने वाली बस भी आ जाती है। गुल्ली बोलता है बस तो काफी ज्यादा सुंदर है और काफी बड़ा भी। बुल्ली सोन को आवाज लगाता है, सोन बस आ चुकी है, अब जल्दी चलो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। और फिर सोन सच धज कर घर से बाहर निकलता है। ये तो एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ, खुद नहीं तुम खुद देख, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। बुल्ली बोलता सोन कौवा कितना भी नहा ले वो कभी कबूतर नहीं बन सकता, और तुम्हारा तो शकल भी कुत्ते जैसा है। सोन बोलता है बुल्ली अपना जुबान संभाल कर बोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लड़बे का आओ लड़। बुल्ली बोलता है तुम लोग लड़ाई झगड़ा करना बंद करो वरना मैं गोवा का ट्रिप कैंसिल कर दूंगा। गोवा का ट्रिप कैंसिल होने का नाम सुन के ही बुल्ली और सोन दोनों लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देते हैं, लेकिन बुल्ली ने तो सोन का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल कर दिया है। तभी बस वाले अपने बस का हॉर्न बजाता है और गुल्ली बुल्ली को अंदर आने का इशारा करता है। इशारा देखते ही गुल्ली बुल्ली सोन तीनों दौड़कर बस के अंदर भागते हैं। गुल्ली बोलता है इतनी अच्छी बस में सड़े हुए चूहे की बदबू कहाँ से आ रही है। सोन बोलता है ये बदबू तो इस बस के पीछे से आ रही है। और जब सोन आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी की लाश है। सोन ये देखकर डर जाता है और वो गुल्ली बुल्ली को बताता है कि यहाँ पर एक आदमी की लाश रखी हुई है। गुल्ली बोलता ड्राइवर यहाँ पर ये लाश कैसे आई, कहीं तुमने इस आदमी को तो नहीं मारा। ड्राइवर बोलता हाँ उसे मैं नहीं मारा है, वो बस का भाड़ा देने में कचर कुचर कर रहा था इसीलिए मैंने उसे निपटा दिया। सोन बोलता मुझे लगता है कि तुम कहीं के गुंडे मवाली हो। ड्राइवर बोलता हाँ मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और अब तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम लोग का हाल भी उसी आदमी के जैसा होगा। ये सुनकर गुल्ली बुली सोन डर जाते हैं और चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सोन बोलता गुल्ली तुमने कैसा बस बुक किया है, ये आदमी तो पैसा नहीं मिलने पर जान से मार देता है। गुल्ली बोलता हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। ये सुनकर सोन थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता चल गाड़ी आगे बढ़ा, और फिर बस का ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। गुल्ली बोलता ये बस ड्राइवर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सोन बोलता बोलो तो इसका खेल खत्म कर दूं, इसे शायद पता नहीं है कि हम लोग किसके आदमी है। गुल्ली बोलता नहीं सोन रहने दो, गुस्सा खराब है। और फिर वो बस का ड्राइवर जंगल में बस को ले जाकर रोक देता है। गुल्ली बोलता आखिरकार इसने बस को यहाँ पर क्यों रोक दिया है, हम लोग पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। बस का ड्राइवर बोलता ये मेरे खाने का समय है और मैं खाना खाने के बाद रोज 2 घंटा सोता हूँ, अब ये बस 2 घंटा बाद ही स्टार्ट होगी। गुल्ली बोलता तब तो हमें गोवा जाने में काफी देर हो जाएगी। ये सुनकर सोन को काफी जोर का गुस्सा आता है और वो बस ड्राइवर के पास जाता है और उसे जोरदार लात मारता है, जिसके कारण बस का ड्राइवर सीधे बस के बाहर जाकर गिरता है। सोन बोलता अभी ये बस मैं चलाऊंगा। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी सोन के पास आ जाते हैं। गुल्ली बोलता वाह सोन तुमने तो पहली बार कोई ढंग का काम किया है, अब हम लोग गोवा और जल्दी पहुंच पाएंगे। और फिर सोन बस को स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो बस का ड्राइवर वहां से भागने लगता है। गुल्ली बोलता ये देखो बदमाश कैसे जान बचाकर भाग रहा है। बस ड्राइवर का ऐसा हाल देखकर गुल्ली बुली सोन काफी हंसते हैं। गुल्ली बोलता सोन बस को थोड़ा धीरे ही चला वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सोन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो गुल्ली, हम लोग बस 2 घंटे में ही गोवा पहुंच जाएंगे।
तभी गुल्ली बुली सोन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ये लोगों ने सोचा भी नहीं था। बस का एक पेड़ से जोर जोर टक्कर हो जाता है। जिसके कारण बस में ही आग लग जाती है। गुल्ली बोलता, सोन ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बस को धीरे चलाओ, और इससे पहले कि ये बस ब्लास्ट हो जाए हमें यहाँ से भागना होगा। और फिर गुल्ली बुली सोन उस बस से तुरंत बाहर निकल कर भागते हैं। गुल्ली बोलता है, आज तो हम लोग मरते मरते बचे हैं। गुल्ली बोलता है, पर आखिरकार हम लोग इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? ये जंगल काफी ज्यादा वीराना और खतरनाक लग रहा है। और इस जंगल में भेड़िया के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है, और अगर भेड़िया ने हमें देख लिया तो वो हमारी हड्डियां तक चबा जाएगा। सोन बोलता, हाँ मुझे भेड़िया से काफी ज्यादा डर लगता है। गुल्ली बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर भेड़िया आ गया तो मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। मेरे गांव में जब कोई भी जंगल में भेड़िया रोता था तो उसकी माँ बोलती थी, चुप हो जाओ वरना बुल्ली दादा आ जाएगा। सोन बोलता, वाह बुल्ली, अगर ऐसा है तो हमें भेड़िया से डरना ही नहीं चाहिए। बुल्ली बोलता, अगर भेड़िया आ गया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। गुल्ली बोलता, वो देखो उधर शायद झाड़िया में कोई छिपा हुआ है। कौन है? हमारे सामने आओ। गुल्ली बोलता, अरे ये तो भेड़िया है। सोन बोलता, गुल्ली तुम चिंता मत करो, बुल्ली हमें बचा लेगा। लेकिन इतनी जल्दी बुल्ली कहाँ चला गया? गुल्ली बोलता, भागो सोन, अपनी अपनी जान बचाओ। सोन बोलता, बुल्ली तुम तो भेड़िया से लड़ने वाले थे तो आखिरकार भाग क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता कि सच में भेड़िया आ जाएगा। गुल्ली बोलता, वो देखो सामने एक बस खड़ी है, हम लोग को उस बस में बैठकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली सोन तीनों भागकर उस बस के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, आज तो हम लोग मरते मरते बचे। लेकिन शायद गुल्ली बुली सोन को पता नहीं है कि जिस बस में वो लोग बैठे हैं वो बस कोई मामूली बस नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बी बस है। तो दोस्तों, आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुली और सोन का? आखिरकार ये तीनों इस ज़ॉम्बी बस से बचकर भाग पाएंगे, या फिर ये तीनों ज़ॉम्बीज़ों के हाथों मारे जाएंगे? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।